हेलो एवरीवन, एक हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन के लिए आपको एक सही स्किन केयर रूटीन फॉलो करना पड़ता है जो बिजी लोगों के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. बट समटाइम्स लाइक दिस फेस्टिव सीजन ऑल यू नीड इज टू ग्लो लाइक यू नेवर डिड बिफोर. हाउ? लेट मी टेल यू द स्टेप्स. सो द फर्स्ट स्टेप इज क्लिंजिंग. क्लिंजिंग के लिए मैं अपना हैंडमेड सोप यूज़ करती हूँ. आप चाहे तो अपना रेगुलर फेस वॉश या सोप यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा आप मामाअर्थ का उपटन फेस वॉश या कोई भी अच्छा सा चारकोल फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं क्लिंजिंग के लिए. दूसरा स्टेप है वेपर, यानी आपको स्टीम लेना है 10 मिनट के लिए. स्टीम लेने से आपके स्किन पोर्स ओपन हो जाएंगे और स्क्रबिंग के दौरान उनसे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स निकालने में आपको आसानी होगी. अगर आप वेपर नहीं लेना चाहते हैं तो आप मीडियम टेम्परेचर के गर्म पानी में टॉवल सोक करके अपने स्किन पे टैप टैप कर सकते हैं. स्पेशली नोज, चिन एंड नेक एरिया को क्लीन करना बिल्कुल ना भूलें. इससे काफ़ी ज़्यादा डर्ट ऐसे ही रिमूव हो जाएगा. तीसरा स्टेप है स्क्रबिंग. स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए आपको एक अच्छे से स्क्रब की ज़रूरत पड़ेगी. आप जो भी स्क्रब यूज़ करते हैं उसे कैसे यूज़ करना है, कितनी देर बाद धोना है, ये सारी चीज़ें आपको उसके डायरेक्शन ऑफ यूज़ सेक्शन से मिल जाएगा और उस स्क्रब को वैसे ही यूज़ कीजिए. और हाँ, स्क्रबिंग हमेशा जेंटली करना चाहिए, बिल्कुल भी फास्ट या हार्शली नहीं करना चाहिए. इससे स्किन डैमेज हो सकता है, स्पेशली अगर आपका स्किन ड्राई या सेंसिटिव है तो. माय प्रोडक्ट रिकमेंडेशन इज़ आप जस्ट हर्ब्स का एप्रिकॉट स्पार्कल स्क्रब यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा BLCC का एक स्क्रब है जो कि बहुत ही अच्छा है, और एवर यूथ का चॉकलेट एंड चेरी या फिर वॉलनट स्क्रब भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए. चौथा स्टेप है फेस मास्क या फेस पैक. आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको एक फेस मास्क या पैक सिलेक्ट करना है. उसे कब तक यूज़ करना है, कितनी देर के बाद धोना है, ये सब आपको उसके डायरेक्शन ऑफ यूज़ सेक्शन से पता चल जाएगा. अगर आपका स्किन टाइप नॉर्मल टू ऑयली है तो आप कोई ऐसा फेस मास्क यूज़ कीजिए जिसमें क्ले इंक्लूडेड हो. जैसे कि आप जस्ट हर्ब्स का आलमंड कम्प्लेक्शन पैक ट्राई कर सकते हैं या फिर मामाअर्थ का विटामिन सी फेस मास्क यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा कोई भी ऐसा फेस मास्क जिसमें बेंटोनाइट क्ले, चारकोल, फ्रेंच पिंक क्ले या ग्रीन क्ले इंक्लूडेड हो, आप ऐसा कोई भी मास्क यूज़ कर सकते हैं. अगर आपका स्किन टाइप नॉर्मल टू ड्राई है या फिर सेंसिटिव है तो आपको कोई ऐसा फेस मास्क यूज़ करना चाहिए जो आपके स्किन के लिए सूदिंग हो. जैसे कि मामाअर्थ का उपटन फेस मास्क या फिर एवरयूथ का चॉकलेट एंड चेरी टैन रिमूवल मास्क. और अगर आपका स्किन टाइप सेंसिटिव है तो आपको DIY मास्क ट्राई करना चाहिए ताकि आपके स्किन में इरिटेशन ना हो. और वैसे भी DIY मास्क के काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके उन सारे रेसिपीज़ को जान सकते हैं एंड उन्हें घर पे भी ट्राई कर सकते हैं. यूजुअली इस स्टेप के बाद आप टोनर एंड मॉइस्चराइजर यूज़ करके अपने टोटल फेशियल प्रोसेस को ख़त्म कर सकते हैं. पर अगर आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा डल एंड ड्राई बन चुका है तो आपको सीरम शीट मास्क भी यूज़ करने चाहिए. तो सबसे पहले आपने क्लिंजिंग किया, स्टीम लिया, उसके बाद स्क्रब एंड फेस मास्क लगाया. अब आपको यूज़ करना है टोनर. टोनर अल्कोहल फ्री होना चाहिए, यानी आपको कोई ऐसा टोनर यूज़ करना है जिसे फेस पे अप्लाई करने के बाद आपको कोई ठंडक या बर्निंग सेंसेशन फील ना हो. क्योंकि अल्कोहल टोनर्स आपके स्किन को अच्छे से क्लीन तो करता है पर ड्राई स्किन के लिए वो बहुत ही डैमेजिंग होता है. तो अगर आप अल्कोहल फ्री टोनर चाहते हैं इसमें अच्छा रहेगा अगर आप प्लम का ग्रीन टी टोनर यूज़ करते हैं. इसके अलावा बायोटिक का टोनर भी बहुत अच्छा है. और इसके बाद आपको यूज़ करना है सीरम शीट मास्क. सारे सीरम शीट मास्क वन टाइम यूज़ के लिए बनते हैं. तो इस शीट मास्क को अप्लाई करने के बाद जब आप इसे रिमूव करेंगे तब आपके स्किन को 5 से 10 मिनट के लिए प्रॉपरली मसाज करना है ताकि आपके स्किन में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो. उसके बाद आप अपने फेस को भीगे टॉवल से साफ़ कर सकते हैं या फिर पानी से धो भी सकते हैं. पर यहाँ पे आपको कोई भी फेस वॉश या सोप यूज़ नहीं करना है. शीट मास्क लगाकर उसे रिमूव करने के बाद और अपने स्किन को क्लीन कर लेने के बाद जो आखिरी स्टेप बचता है वो है मॉइस्चराइज़र. आपको अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र सेलेक्ट करना पड़ता है. अगर आपका स्किन टाइप ऑयली है तो आपको एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए, और अगर आपका स्किन टाइप ड्राई है या सेंसिटिव है तो आपको क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना पड़ता है. मेरा स्किन टाइप नॉर्मल टू ड्राई है. मैं कोई भी जेल या क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करती. मैं यूज़ करती हूँ फेस सीरम या फिर कोई फेशियल ऑयल. तो फिलहाल मैं यूज़ करती हूँ सेज अपोथिकरी का विटामिन सी फेस सीरम. इसका बड़ा वाला पैक भी ऐसा ही दिखता है. और जब विंटर्स में मेरा स्किन और भी ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो मैं तब जोजोबा ऑयल यूज़ करती हूँ. मैं भी, अगर आपका स्किन ड्राई टाइप का है तो मैं भी यही रिकमेंड करूँगी कि आप जोजोबा ऑयल या फिर व्हीट जर्म ऑयल या आलमंड ऑयल अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ऐसा कोई भी सीरम आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें हाइलुरोनिक एसिड हो, विटामिन सी हो. मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन के साथ ख़त्म होता है टोटल फेशियल प्रोसीड्योर. अगर आप कहीं बाहर जाने वाले हैं तो आप मॉइस्चराइजर के ऊपर अलग से सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं. अगर आप पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं तो मॉइस्चराइजर के ऊपर ही आपको मेकअप अप्लाई करना पड़ता है. आप कुछ करें या ना करें, क्लिंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग स्किन केयर रूटीन के बेसिक स्टेप होते हैं जिन्हें डेली बेसिस पे फॉलो करना चाहिए. अब मैं आपको दो ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको फेशियल करने से पहले पता होनी चाहिए. नंबर वन, आपको अपने फेस के साथ साथ नेक पे भी सेम इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा. यानी अगर आप अपने फेस पे फेशियल कर रहे हैं तो नेक पे भी क्लिंजिंग, स्क्रबिंग, मास्क एंड मसाज करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है.
नंबर टू, आप सिर्फ क्लिनजिंग के वक्त ही फेस वॉश या सोप अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे और नेक पे। इसके बाद इस टोटल प्रोसीजर में कहीं भी बीच में या बाद में आप सोप या फेस वॉश यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा करने से आपका स्किन मॉइस्चर रिटेन नहीं कर पाएगा। एडिशनल प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, अगर आप सिंपल मेकअप लुक चाहते हैं या फिर बाहर जाने से पहले कहीं भी तैयार होने से पहले आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप ये भी मेकअप पुट ऑन करें बैठे बैठे, तो आप सिंपली ग्लैम अप ट्राई कर सकते हैं। मैं इसे कई दिनों से यूज़ कर रही हूँ, मेरे स्किन के लिए ये तो बहुत ही अच्छा है। तो आप भी अगर अपना मेकअप वाला लुक सिंपल रखना चाहते हैं देन यू मस्ट गो फॉर ग्लैम अप। एंड लास्टली, इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स मेंशन किए वो सारे उन प्रोडक्ट्स के तरफ मेरे टोटली पर्सनल ओपिनियंस थे। ये वीडियो टोटली नॉन स्पॉन्सर्ड है। अगर आप इन्हें ट्राई करते हैं, इनसे आपको बेनिफिट मिलता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इनमें से कौन से प्रोडक्ट आप पहले से यूज़ कर रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।